जनपद संभल के चंदोसी में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल ने अपनी मांगों को लेकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जनपद संभल के चंदोसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अपनी मांगों को लेकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस विषय में अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने बताया कि राज्य सरकार ने शनिवार और रविवार को प्रदेश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर रखी है। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए हमने इन दो दिनों में पूरे नगर को सैनिटाइज कराने की मांग करते हुए एक ज्ञापन अधिशासी अधिकारी को सौंपा है। इसमें मेन चीज ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश दिया है कि वीकली लॉकडाउन में प्रत्येक दफ्तर में, प्रत्येक चौराहे पर, प्रत्येक जगह जहाँ पर ऑफिस है वहाँ पर जो है सैनिटाइज होना चाहिए। लेकिन चंदोसी में ऐसा नहीं हो रहा और इसके लिए हमने देखा है अपनी आंखों से, तो इसलिए हम ये कहते हैं इनसे कि प्रत्येक दफ्तर में और प्रत्येक चौराहे पर और प्रत्येक जो एरिया है जिनको शनिवार इतवार सुबह से लेकर के शाम तक होना चाहिए। यदि एक वार्ड में एक जगह कर दिया तो वो नहीं माना जाता कि वो तो वैसे भी जनरल होता ही है रूटीन वर्क में, लेकिन इन दो दिनों के अंदर सुबह से लेकर शाम तक होना चाहिए, ये हमारा कहना है और इसी पर हमने ज्ञापन दिया। हाँ जी, शाह आलम मंसूरी। क्या मामला है, आपने ज्ञापन दिया है? आज हमने यूओ साहब और चेयरमैन साहब के समक्ष ज्ञापन दिया है अखिल भारतीय युवा उद्योग व्यापार मंडल में। उसमें हमने ये मांग करी है कि राज्य सरकार द्वारा वीकेंड लॉकडाउन जो है शनिवार और इतवार में रहता है उसके तहत जो है वो पालिका द्वारा सैनिटाइज पूरा शहर कराया जाएगा, लेकिन अभी तक पालिका द्वारा शनिवार और इतवार में किसी प्रकार का भी सैनिटाइजर शहर में नहीं हुआ है। हमने उनसे यही मांग की है कि शनिवार इतवार खासतौर से आप जो है शहर में सैनिटाइज कराइए, मोहल्लों में सैनिटाइज कराइए, क्योंकि इस वक्त जो है कोरोना के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मिल रहे हैं हर मोहल्लों में और हर जो है वो देहात एरिया में भी मिल रहे हैं, लेकिन देहात के अलावा शहर में जो है वो सैनिटाइज कराया जाए नगर पालिका द्वारा।